नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय astromanigru.com एवं फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल अजय एस्ट्रो मनीगुरु से आपसे मुखातिब होता हूं हमारे इस विशेष एपिसोड एग्रो वॉच। एग्रो वॉच कृषि जिंसों की तेजी और मंदी, एग्रो कमोडिटीज के अंदर चाहे वो चर सरसों हो, चना हो, सोयाबीन हो, या फिर हल्दी या फिर जीरा, इन पर सटीक फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से विश्लेषण आपको इस एपिसोड में मिलेगा। दोस्तों, पसंद आए तो इस प्रोग्राम को और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अपने मित्रों को जरूर भेजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। आज 25 जून सन 2021 फ्राइडे शुक्रवार, कृषि जीन्स बुलियन मेटल व स्टॉक मार्केट पर हमारा पूर्व विश्लेषण एवं आकलन सत्य साबित होता देखा जा रहा है, या फिर बुलियन मेटल और कच्चे तेल पर भी हमारी आकलन सत्य साबित होता देखा जा रहा है। दोस्तों, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का प्रचलन सदियों से हमारे देश में रहा है। कृषि जिंसों का उत्पादन बुलियन मेटल का सटीक विश्लेषण फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से किया जाना संभव है। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के सटीक विश्लेषण को देश के विभिन्न बिजनेस टीवी चैनल्स एवं न्यूज़पेपर्स पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का श्रेष्ठता का डंका एवं विजय पताका हम पिछले लगभग 22 सालों से लगातार करा रहे हैं। आज की ग्रह स्थिति इस प्रकार है, चंद्रमा धनु राशि में विचरण कर रहे हैं, सूर्य मिथुन राशि में हैं, बुध एवं राहु वृषभ राशि में हैं और गुरु कुंभ राशि में विचरण कर रहे हैं। शनि मकर राशि में हैं, केतु वृश्चिक राशि में विचरण कर रहे हैं, सूर्य और शुक्र का अद्भुत मिलन मिथुन राशि में हो रहा है। एग्रो वॉच, तेजी के संकेत मिल रहे हैं, शक्कर यानी चीनी में भी आज मजबूती की संभावनाएं बन सकती हैं, कपास खली में आज मजबूती बन सकती है, अतः निवेशक ध्यान दें। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बड़ी खबरें, कैस्टर सीड गुड़ एवं जीरा में कल गिरावट दर्ज, सप्ताह के दौरान कपास में बड़ी तेजी दर्ज हो चुकी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 5 महीने और निशुल्क खाद्यान्न आवंटन को सरकार की मंजूरी, प्याज का निर्यात 6 साल के निचले स्तर पर, इसके अंदर प्याज के निर्यात के अंदर एक्सपोर्ट पे बैन और उत्पादन के मुकाबले डिमांड घरेलू स्तर पर अधिक होना बताया जा रहा है। खरीफ की फसल पे सोयाबीन के बीजों पर अलग अलग राय, किसानों को कहना है कि उत्तम क्वालिटी के बीज उपलब्ध कम हो रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि निर्धारित मात्रा में बीज का नियमित रूप से आवंटन हो रहा है, लेकिन अधिक मात्रा में इस बार सोयाबीन के बीजों की डिमांड बढ़ रही है। महाराष्ट्र में S30 चीनी के भाव 3110 और 3120 प्रति क्विंटल के बीच में रहे, M30 चीनी का के भाव 3020 से 3050 पर क्विंटल बोले जा रहे हैं। कर्नाटक में S30 चीनी का भाव 3160 से 3200 रुपये प्रति क्विंटल और M30 का भाव 3250 रुपये रहा। उत्तर प्रदेश में चीनी के भाव S30 का भाव 3110 से 3121 रहा, जबकि M30 शक्कर का भाव 3161 से 3171 रुपये रहा। तमिलनाडु में चीनी S30 का भाव 3220 से 3300 रुपये रहा और M30 का भाव 3300 से 3325 रुपये रहा। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चीनी का भाव लंदन वाइट शुगर 418.10 प्रति टन रहा और US शुगर 16.53 सेंट रहा। चीनी के अंदर मजबूती की संभावनाएं जारी रह सकती है। दोस्तों, आपको याद होगा हमने शुगर यानी शक्कर के ऊपर बड़ी तेजी की अग्रिम भविष्यवाणी हमारे पिछले कई शो में की है। चीनी और शक्कर का उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन डिमांड उसके मुकाबले अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर भी शुगर के भाव लगातार तेज हो रहे हैं। कमोडिटी वॉच, आज कॉपर यानी तांबे के अंदर मजबूती की संभावनाएं बन सकती हैं। शेयर बाजार,
आज शेयर बाजार मजबूती के साथ खुल सकते हैं। टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान कॉपर जैसे स्टॉक्स के ऊपर नज़र रखना उचित रहेगा। दोस्तों, भारत की इस रहस्यमय विद्याओं को आप भी सीख सकते हैं। ऑनलाइन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कोर्स, जो कि सैटरडे एंड संडे यानी वीकेंड्स के दौरान रविवार या शनिवार को कंडक्ट हो रहे हैं, आप इसमें शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार, करेंसी बाजार, कृषि जींसों के उतार चढ़ाव का सटीक विश्लेषण आप भी कर सकते हैं। आप संपर्क कर सकते हैं 9414056705। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन हम भेज पाएं। चाहे शेयर बाजार हो, कमोडिटी बाजार हो, आईपीओ विश्लेषण हो, इन सभी का सटीक विश्लेषण हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं बिल्कुल निःशुल्क। आप सभी के सुझाव आमंत्रित है और आपके कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट्स अवश्य लिखिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।